मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के कारण नर्मदा नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। ऐसे में सीहोर काला पीपल मार्ग पर पार्वती नदी पुल पर पानी आने से रास्ता बंद हो गया है। वहीं लगातार तेज बारिश के कारण निमाड़ अंचल में भी जलमग्न नजर आ रहा है। महेश्वर में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी घाट डूब गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को तैनात किया गया। लगातार बारिश के कारण मोटक्का पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। ओंकारेश्वर बांध के 23 में से 21 गेट खोलकर नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे मोटक्का में नर्मदा का जलस्तर 163.200 मीटर पर पहुंच गया है। खतरे का निशान 164 मीटर है। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग स्थित मोटक्का पुल से भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी है। छोटे वाहनों को निकाला जा रहा है। इंदिरा सागर व ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़ने की संभावना बन रही है। वहीं लगातार बारिश के कारण नेमारोक पुलिस थाना भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। थाने पर पुलिसकर्मी जैसे तैसे पानी को बाहर निकालने का प्रयास करने में जुटे हैं। वहीं उज्जैन शाजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कालीसिंध नदी व बाफड़िया खाल में अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद तहसीलदार देर रात से मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं।